भट्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन 3 अगस्त यानी कि आज है। बहनें साल भर इस दिन का इंतजार करती हैं। रक्षाबंधन हर साल सावन महीने के पूर्णिमा के दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल बहन अपने भाई की कलाई में विधि के अनुसार राखी बांधती है और अपनी रक्षा की वचन मांगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। सदियों से चली आ रही रीति के मुताबिक बहन भाई को राखी बांधने से पहले प्रकृति की सुरक्षा के लिए तुलसी और नीम के पेड़ को राखी बांधती है, जिसे वृक्ष रक्षाबंधन भी कहा जाता है। हालांकि आजकल इसका प्रचलन नहीं है। राखी सिर्फ बहन अपने भाई को ही नहीं बांधती, वो किसी खास दोस्त को भी राखी बांधती है, जिसे वो अपना भाई जैसा समझती है। और तो और, रक्षाबंधन के दिन पत्नी अपने पति और शिष्य अपने गुरु को भी राखी बांधते हैं। पौराणिक कथाओं में भविष्य पुराण के मुताबिक देव गुरु बृहस्पति ने देवस के राजा इंद्र को बित्रा असुर के खिलाफ लड़ाई पर जाने से पहले अपनी पत्नी से राखी बंधवाने का सुझाव दिया था। इसलिए इंद्र की पत्नी सती ने उन्हें राखी बांधी थी। वहीं एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार रक्षाबंधन समुद्र के देवता वरुण की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। आमतौर पर मछुआरे वरुण देवता को नारियल का प्रसाद और राखी अर्पित करते हैं, ये त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। वहीं एक और मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई से पहले श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया था। उसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया था। बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भविष्य में आने वाली हर मुसीबत में रक्षा करने की कसम दी थी। इतिहास में रक्षाबंधन को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जब पंजाब के राजा पुरुषोत्तम से हार गया था, तब अपने पति की रक्षा के लिए अलेक्जेंडर की पत्नी रुक्साना ने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुनते हुए राजा पुरुषोत्तम को राखी बांधी और उन्होंने भी रुक्साना को बहन के रूप में स्वीकार किया। एक और कथा के मुताबिक यह भी माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं को राखी भिजवाते हुए बहादुर शाह से रक्षा मांगी थी, जो उनका राज्य हड़प रहा था। अलग धर्म होने के बावजूद हुमायूं ने कर्णावती की रक्षा का वचन दिया। इतिहास में रक्षाबंधन को लेकर कई मान्यताएं और कहानियां हैं, जो एक विशेष महत्व रखती है। रक्षाबंधन दो लोगों के बीच प्रेम और इज्जत का बेजोड़ बंधन का प्रतीक है। आज भी देश भर में लोग इस त्योहार को खुशी और प्रेम से मनाते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज। नमस्कार।